मैं बनाने जा रही हूँ व्रत स्पेशल रेसिपी। इसे व्रत की बिरयानी या फिर पुलाव भी कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम व्रत में बिरयानी और पुलाव भी इंजॉय कर सकते हैं, बस हम सारी चीजें वो यूज करेंगे जो हम व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए व्रत की बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DDC रेसिपीज। तो व्रत की बिरयानी या फिर पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप के करीब समा चावल, इसे समक चावल भी कहते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे दाने के होते हैं तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसे हम व्रत में खाते हैं। तो एक बोल में हम इसे डाल देंगे और साथ ही साथ इसको मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप के करीब पानी और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे सोख होने के लिए। तो ये अच्छे से भीग जाएंगे 10 मिनट के अंदर, इससे ज्यादा इसे बिल्कुल भी ना रखें। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एक कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2.5 बड़े चम्मच के करीब घी। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, बट घी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है इसमें। और एक मैंने डाल दिया है इसमें तेजपत्ता। आप जो जो मसाले व्रत में खाते हैं वो डालें और जो नहीं खाते उसे स्किप कर दें। 3-4 लौंग और 3-4 छोटी मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च। और 1 छोटा चम्मच मैं डाल दे रही हूँ इसमें जीरा। और थोड़ी देर के लिए इसको हम इसी तरीके से लो हीट पे भून लेंगे। उसके बाद एक मैंने लिया है छोटा गाजर, उसको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। और एक आलू भी मैंने छोटे आलू को ऐसे बारीक काट लिया है। तो इन चीजों को भी हम थोड़ी देर के लिए मीडियम हीट करके या लो हीट में ही इसे भून लें। हमें थोड़ा सा ना इन चीजों को पका लेना है क्योंकि चावल बहुत ही छोटे दाने के होते हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं। और ये मैंने लिया है एक बड़े टमाटर को, इस तरीके से मिक्सी में पीस लिया है मैंने। टमाटर को व्रत में खाते हैं, इसे तो फ्रूट कहा जाता है। तो 2-3 मिनट के लिए भूनने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों को भी अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर और हमारे आलू थोड़े से पक जाए, मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 3-4 छोटी इलायची को ऐसे क्रश करके। इससे बहुत अच्छी खुशबू हमारी बिरयानी में आ जाती है। और 2 छोटे चम्मच मैं इसमें डाल दे रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। और 3-4 मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ये भुनी हुई मूंगफली ली है, इन्हें तेल में भुना हुआ है, उससे अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टेबलस्पून डाल दे रही हूँ मैं काजू। और साथ ही साथ डाल देंगे जो हमने चावल को रखा था ना सोख होने के लिए, वो डाल देंगे। उसका पानी मैंने हटा दिया है और थोड़ा सा चावलों को हल्के हाथ से हम मसालों के साथ ही भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ 1 टेबलस्पून इसमें धनिया और पुदीने की पत्तियां। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में, ये सब चीजें जरूर पड़ती हैं। आप चाहें तो यहाँ पर केसर वाला दूध भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। और 2 कप पानी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है इसको पकाने के लिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ढककर अब हम इसे लो हीट पे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। इससे ज्यादा इसे बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। और ये देखिए 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छा दिख रहा है ना हमारी बिरयानी, बहुत ही अच्छी दिख रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत टेस्टी ये बिरयानी बनके तैयार होती है। आप बिरयानी कहिए, पुलाव कहिए, व्रत की चावल कह लीजिए आप इसको, आप इसे कुछ भी कहिए, बस ये बहुत टेस्टी है। इसको बना के इंजॉय करिए इस व्रत में। पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जल्दी ही मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। मैंने और भी व्रत की रेसिपीज अपने चैनल पे शेयर करी है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ।